को दिया हुआ है, डिप्टी कमिश्नर आबकारी विभाग को दिया, जाकर के मुलाकात हो चुकी है, थाने में FIR लिखा दी है सुभाष नगर थाने में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 7 मार्च को दुकान खोली थी इन्होंने, टेंडर पुराने साल पुराना जो टेंडर था, अब 1 अप्रैल से नया टेंडर है, अब हम यहाँ दुकान नहीं खुलने देंगे किसी भी कीमत पर। जो है दंगा फसाद करते हैं, गाली गलौज मतलब करते हैं और खड़े होकर पेशाब पीना, नंगे होना, कपड़े उतार देना, सारी बहू बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया, और जब तक ये दुकान नहीं हटेगी हम इसी तरीके से देंगे सब लोग बैठे। अनिश्चितकालीन धरना, जब तक नहीं हटेगी। आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब को दिया जा चुका है और सभी को दे रखा है, एडीएम को भी दे रखा है, डीएम के साथ में मुख्यमंत्री को भी दिया है, मुख्यमंत्री के यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी रजिस्टर्ड है और वहाँ से कार्रवाई के लिए आ चुका है, और वो कार्रवाई की चिट्ठी डीएम के ऑफिस के यहाँ से आबकारी कमिश्नर के ऑफिस में और थाने में भी आ चुकी है कॉपी, बट थाने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी पुलिस प्रशासन भी आए हुए हैं, सब लोग हमारी बात अभी कह रहे हैं, एप्लीकेशन वगैरह दे चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बाद सुनवाई नहीं हो रही है, किसी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, नहीं। और अब जो है बहू बेटी की कोई इज्जत ही नहीं समझ रहा है, हमारे बच्चे सारा दिन यहाँ पे खेलते हैं, अब दिक्कत हो रही है हम लोगों को, अब 1 अप्रैल से हम लोगों ने कहा था कि खाली कर देंगे, लेकिन अभी भी कोई खाली नहीं, खाली करने का आश्वासन आपको पहले दिया था इन लोगों ने, खाली हो जाएगी लेकिन खाली नहीं करी, 31 तारीख को खाली करते हैं। तो आप लोग अब चाहते क्या है, पूरी फुल प्लेट खाली चाहते हैं, खाली कराना चाहते हैं, शराब की नहीं हो, बाकी जो चाहे खाली हो जाएगी, हम यही चाहते हैं।